हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये है आपके सामने एक्सरसाइज 3.1, उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब उसकी बेटी को कहता है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, है ना। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ओके, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए, आफ्ताब ने उसकी बेटी को क्या बोला कि 7 years ago, 7 साल पहले क्या है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि तुम जितने भी साल की थी उससे जो मेरी उम्र थी वो 7 गुना थी, है ना, 7 साल पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो करंट एज है आफ्ताब की और उसकी बेटी की, वो करंट एज हम एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या लेंगे हम, लेट द करंट एज, यहाँ प्रेजेंट एज भी लिख सकते हो आप, है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम एक्स ईयर्स ले लेते हैं, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। ओके, आफ्ताब की एज अभी की मैंने एक्स ले ली और उसके बेटी की अभी की एज मैंने वाई ले ली। अब 7 years ago क्या होगा, सेवन ईयर्स अगो तो आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगी, 7 साल पहले अभी की एज है एक्स और 7 साल पहले उसकी एज होगी x-7। ओके, और डॉटर्स एज, उसकी बेटी की जो एज रहेगी 7 साल पहले उसकी बेटी की एज भी रहेगी वाई, अभी की एज है और उसमें से मैं -7 कर देता हूँ, बराबर। तो आफ्ताब की 7 साल पहले की एज हो गई x-7 और उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले हो गई y-7। ओके, अब आफ्ताब क्या बोलता है कि 7 साल पहले क्या था कि वो 7 गुना बड़ा था, 7 times बड़ा था। तो देखिए, 7 साल पहले, सबसे पहले तो मैं देखिए इक्वालिटी कर देता हूँ, ये आफ्ताब की एज इक्वल टू उसके बेटी की एज, ठीक है, ये इक्वालिटी हो गई। अब ऐसा तो है नहीं, इक्वल तो थी नहीं 7 साल पहले, क्या है ये आफ्ताब की एज 7 गुना थी, तो या ये 7 गुना है जो x-7 है 7 साल पहले, ये 7 गुना पहले से है, बराबर। तो ये 7 गुना है तो LHS बड़ा हो गया RHS से, तो RHS को अपने को इक्वल करना है तो क्या करेंगे, RHS में हमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि LHS 7 गुना बड़ा है पहले से, तो हम क्या करेंगे इक्वालिटी में लाने के लिए RHS को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो RHS भी इक्वल आ गया, है ना। तो ये अब इक्वल, ये जो इक्वेशन है अब बैलेंस हो गया, है ना। तो 7 कहाँ मल्टीप्लाई किया, RHS में उसकी डॉटर की एज में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आफ्ताब की एज 7 गुना पहले से है, ओके, तो उसकी बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी बेटी की एज फिर इक्वल आ गई, है ना, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया, है ना, समझिए इस बात को। तो चलिए, ये x-7 इक्वल टू 7 अंदर जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गए y के साथ और -7 के साथ, तो 7y-7 7 ज़ा 49। सो एक्स 3 जो 7y है वो LHS में आ जाएगा -7y, और -49 और -7 को हम ले जाते हैं RHS में, ओके, तो +7 हो जाएगा, ठीक है। तो x-7y इक्वल टू, अब -49 + 7 हो जाता है -42, ठीक है। सो दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1, है ना, समझ आया आपको कैसे बना इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, दूसरा इक्वेशन, अब आगे क्या बोला है कि 3 years फ्रॉम नाउ, ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आफ्टर थ्री ईयर्स, आफ्टर
थ्री ईयर्स, ओके दिस इज थ्री ईयर्स। आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज इक्वल टू एंड उसकी बेटी की एज एंड डॉटर्स एज। तो आफ्ताब की एज अभी की है x और तीन साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस थ्री, और उसकी बेटी की अभी की एज है y और तीन साल बाद हो जाएगी y प्लस थ्री। ओके तो तीन साल बाद मैं दोनों को पहले तो एज को इक्वल मान लेता हूँ, बराबर ये मैंने मान लिया है इक्वल, बट इक्वल है नहीं। उसने क्या बोला है कि तीन साल बाद क्या हो जाएगा, आई शैल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम जितने भी साल के होगे उस समय तीन गुना बड़ा होगा। तो ये पहले से तीन गुना बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, आरएचएस में तीन गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डॉटर की एज में तीन गुना मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसकी डॉटर की एज बन जाएगी उस आफ्ताब की एज के बराबर, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, ये थ्री अंदर चले जाएगा तो थ्री वाई प्लस थ्री, थ्री जा नाइन। सो एक्स और थ्री वाई को एलएचएस में ले आते हैं तो माइनस थ्री वाई बन जाएगा, और नाइन को यहीं रहने देते, ये जो थ्री है उसको आरएचएस में ले जाते तो माइनस थ्री, तो ये बन गया सिक्स। ओके तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, सेकंड इक्वेशन हमारा आया एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू। तो ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है इस सिचुएशन को। चलिए अब सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें दो टेबल बनाने पड़ेंगे दो इक्वेशन के। तो पहला इक्वेशन का टेबल ये रहा, x और y लिख देते हैं, और ये रहा सेकंड इक्वेशन का टेबल। इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमने बनाया अभी अभी। तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू। और जो सेकंड इक्वेशन बना हमारा x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ठीक है। चलिए तो हम x को कर्ता बनाएंगे, तो x को LHS में ही रहने देंगे और 7y को भेज देते हैं हम RHS में, तो माइनस सेवन वाई आ गया RHS में, ठीक है। अब y की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और x फाइंड करते जाएंगे, है ना। और यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y बन जाएगा। तो चलिए y की अलग अलग वैल्यू लेंगे, तो y इक्वल टू हम ले लेते हैं ज़ीरो लेंगे तो माइनस फोर्टी टू, ये बड़ा आंसर आएगा, ग्राफ में फिट नहीं होगा। तो हम थोड़ा ऐसा वाई लेंगे जो ग्राफ में हमारा फिट हो जाए, ओके, जो जनरली ज़ीरो से दस के बीच में आ जाए तो ग्राफ अच्छा बनेगा। अदरवाइज़ माइनस फोर्टी टू के लिए फिर हमें ग्राफ जो होगा फिर स्केल करना पड़ेगा, है ना। तो हम ट्राई करेंगे कि स्केल ना करें तो अच्छा है। तो हम वन ले लेंगे तो भी थर्टी फाइव आ जाएगा, माइनस थर्टी फाइव आएगा। टू ले लेते हैं, टू भी अभी भी आंसर बड़ा ही लग रहा है, तो हम फाइव ले सकते हैं। y इक्वल टू अगर फाइव ले लेते हैं तो x इक्वल टू बन जाएगा माइनस फोर्टी टू प्लस सेवन फाइव सा, सो माइनस फोर्टी टू प्लस थर्टी फाइव आता है माइनस सेवन। चलिए y मैंने फाइव लिया तो x का आंसर आया माइनस सेवन। अब y इक्वल टू सिक्स ले लेते हैं तो x इक्वल टू बन जाएगा माइनस फोर्टी टू और सेवन सिक्स, तो सेवन सिक्स हो जाएगा फोर्टी टू और आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो ज़ीरो आया कब, जब मैंने y सिक्स लिया। और y इक्वल टू मैं सेवन अगर ले लेता हूँ तो x इक्वल टू बनेगा माइनस फोर्टी टू प्लस सेवन सेवन ज़ा, तो माइनस फोर्टी टू प्लस फोर्टी नाइन, तो आंसर आएगा प्लस में सेवन, है ना। तो x आया 7 कब, जब y मैंने लिया 7 तब। चलिए इस दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू हम ले लेंगे, अगर मैं 0 ले लेता हूँ y, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 3 टाइम्स 0, तो 6 आ जाएगा आंसर। 6 आया जब मैंने y 0 लिया तब, ठीक है। y 1 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 टाइम्स 1, तो 6 प्लस 3 तो 9 आ गया, है ना। देखिए आंसर बढ़ रहा है, हम ट्राई करेंगे 9 के बाद अगर मतलब 9 से ज़्यादा आंसर ना आए, ओके, तो हम y इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, हम माइनस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, माइनस 1 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू माइनस 1, सो 6 माइनस 3, तो आंसर आ गया 3। तो 3 कब आया, जब y मैंने लिया माइनस 1, है ना।
तो चलिए सारे पॉइंट को हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पे। चलिए पहले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, -7, y, -7, हियर इज -7, 5। तो -7, 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे ये रहा फर्स्ट पॉइंट। 0, 6, तो 0, 6 यहाँ पे, ठीक है। 7, 7, सो 7, 7 समथिंग समवेयर यहाँ पे है। चलिए ये रहा सेक, है ना, इसको हम जोड़ देते हैं, आप स्केल से जोड़ना, ओके। चलिए ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन, x-7y। क्या नाम है इसका? x-7y = -42। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए सेकंड इक्वेशन का लाइन बनाते हैं, 6, 0, 6, 0 यहाँ पे आएगा, 6, 0। 9, 1, 9, 1 यहाँ पे है, एंड 3, -1, 3, -1 यहाँ पे है, बराबर। तो ये तीनों को हम जोड़ देते हैं कुछ इस तरह, ये जोड़ दिया, ओके। तो देखिए ये जो लाइन है वो आगे जाके मिलने वाली है ना, ये लाइन आगे जाके समथिंग यहाँ पे, देखिए आप अगर आप देखोगे तो यहाँ आगे जब आप बनाते जाओगे ग्राफ तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगा एक पॉइंट पे, ओके। बट अभी हमें ये नहीं बताना है, ओके, कि आगे मिलेगा वो ऐसा नहीं बताना, हमें तो ये सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, जो हमने कर दिया, बराबर। तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है। तो सेकंड जो लाइन बनी उसका भी नाम दे देते हैं, x-3y = 6, ठीक है। तो ये सिचुएशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ओके। और ये जो लाइन है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, है ना। सो जो लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ओके, वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी और इसका सॉल्यूशन भी यूनिक आएगा, है ना, एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा।